नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मौर्या में। आज मैं बताने वाला हूं कि बेंजो को कैसे क्रिएट करें, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है कि सर आपका बेंजो बढ़िया बजता है, मेरा बेंजो बढ़िया नहीं बजता है, कौन सा प्लगइन्स लगाएं, उठ कर नहीं बजता है, दबा दबा रहता है उसमें, मतलब कि बेंजो का जो है स्वर प्लग में लगाता हूँ तो कैसे मैं लगाता हूँ, कौन कौन सा प्लगइन्स लगाता हूँ, कैसे लगाता हूँ, ये चीज़ बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं पूछे हैं। तो मैं सोचा कि चलिए भाई बता दिया जाए कि कैसे वो किया जाता है। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं कि बेंजो कैसे बजता है, कैसे मतलब कि बनता है, उसमें इफेक्ट कौन कौन सा लगता है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि मैं इसी तरीका के वीडियो आपके बीच हरदम लाता रहता हूँ। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं कि कैसे किया जाता है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि ना बेंजो का जो टोन होता है वो दबा दबा रहा है, तो कैसे मेरा उठे, आपका कैसे बजता है बढ़िया इतना और हम लोग का कैसे इस तरीके से नहीं बजता है। तो देखिए, पहला नंबर तो आपको इफेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में सब में देखे होंगे कि ना मैं इफेक्ट के बारे में बताता हूँ, तो कुछ सोच समझ कर बताता हूँ कि कौन सा इफेक्ट किस में लगाया, कैसे लगाया। जैसे कि मैं ये वाला लगा रखा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ लगा रखा हूँ तभी मेरा बेंजो इस तरीका से बोल रहा है। स्वर प्लग का, और इसको मैं हटा देता हूं तो देखिए कैसे बजेगा। आप लोग इसी तरीके से बजता है तो ना, आप लोग कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे कि कैसे बजेगा। तो देखिए, इसमें पहला नंबर कि मैं एक रिवर्ब डाला हूं, तो रिवर्ब डालने के बाद कैसा बज रहा है देखिए, और रिवर्ब बंद कर रहा हूँ, सूखा सूखा बोल रहा है, तो रिवर्ब एक लगा रखा हूँ। फिर उसके बाद में मैं एक कंप्रेसर लगा रखा हूँ, ये वाला CLA जो कि वेव प्लगइन्स का है, CLA 3A, ठीक, ये वेव प्लगइन्स का है, वेव 9 का है। तो ये देखिए मैं इसको लगाया हूँ तो ऐसा बज रहा है। फिर भी मतलब वैसा नहीं बज रहा जैसे मैं लगाता हूँ, क्योंकि अभी ये दो चीज़ बंद है और एक ये चीज़ बंद है इक्वलाइजर, तो मैं इसको लगाता हूँ तो देखिए। कुछ आया, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं डिले जो है इसको मैं कर रहा हूँ, तो पूरा मैं सेटिंग एक एक कर कर मैं दिखाने वाला हूँ। तो उसी तरीका से आप अपने में सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक, और इसको आप सेव कर कर रख लीजिए। जैसे कि यहाँ से हो गया तो मेरा देखिए ये बेंजो हो गया, बेंजो मैं सेव कर रखा हूँ तो वही चीज़ यहाँ पर खुल गया, ठीक। इसको भी आप सेव कर लीजिए, कहाँ सेव कीजिएगा, यहाँ पर जाइएगा, देखिए सेव प्रीसेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी जाइएगा, देखिए यहाँ पर सेव प्रीसेट, तो सेम यहीं से आप देखिए ये बेंजो हो गया है मेरा। तो इस तरीके से मैं किया हूँ, ठीक, तो ये हो गया, और एक ये भी बेंजो बेंजो का है, तो मैं ये वाला भी यूज करता हूँ। तो बेंजो का जैसा होता है वैसा आप कर सकते हैं। तो बेंजो का इसी तरीके से करना है। अब देखिए इसमें रिवर्ब जो लगा रखा हूँ तो किस तरीके से लगा रखा हूँ, तो देख लीजिए पूरा सेटिंग देख लीजिए। आप वीडियो को रोककर आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से आप अपने में सेटिंग कर लीजिए, ठीक। क्योंकि मैं भी पहले सीख रहा था तो इसी तरीक़े से मैं कर रहा था, इसीलिए मैं आपको अपना तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं करता हूँ। मान लीजिए कुछ चीज़ सेटिंग है मुझको नहीं आता था, तो कुछ कुछ इधर उधर से, तो अब तो खैर सब चीज़ आता है, कुछ कुछ ऐसा है कि नहीं आता है तो मुझको भी देखना पड़ता है। ये चीज़ हो गया रिवर्ब का, ठीक। उसके बाद में कंप्रेसर, कंप्रेसर में कुछ भी नहीं करना है, इसको लगा देना है, छोड़ देना है, इसमें कोई सेटिंग नहीं, देख लीजिए वैसे अगर सेटिंग यही है। और उसके बाद में ये वाला है, और ये वाला बहुत लोग कहते हैं कि ना मेरे पास नहीं है, तो आप भाई इसका नेट पे सर्च मारिएगा इस नाम से, तो आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो ये देखिए इसका सेटिंग यही है, उसके बाद में ये हो गया डिले,
जो कि डीले में यही चीज़ लगा रखा हूँ, कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं लगा रखा हूँ, यही चीज़ लगा रखा हूँ, बस इसी से मेरा इतना बोलता है। और ये वाला जो है इसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा खनक आता है इससे। तो ये वाला देखिए, ये रहा सेटिंग इसका, इसका ये वाला सेटिंग है, तो इतना इतना रखना है आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये इसी तरीका से करना है आपको, याद रखिएगा ये जो तरीका है बेस्ट तरीका है, मतलब कि बेंजो आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भाई लोग को अभी मतलब कि दबा दबा आ रहा है उसका बेंजो का आवाज़, तो इसी तरीके से करना है। हाँ, और एक और कीबोर्ड का भी आपका प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कीबोर्ड में धीरे से मैं दबा रहा हूँ, तो कोई कोई कीबोर्ड है, जैसे मेरा भी कीबोर्ड ये जो है अभी नेक्टर का है, तो मिडी बोर्ड है, और मैं इसको धीरे से दबाऊंगा तो धीरे से ही करेगा। मैं इसी को प्रेस कर रहा हूँ तो तेज बज रहा है, मैं इसी को प्रेस कर रहा हूँ धीरे से तो धीरे से बज रहा है। आप जितना ये मतलब अधिक कीबोर्ड में प्रॉब्लम होता है कि ना, टच प्रॉब्लम जिसको बोला जाता है, तो ये देखिएगा कि इससे भी आपको होता है, तो मान लीजिए कि इससे होता है तो कैसे इसको निवारण करेंगे। देखिए, ये मान लीजिए सपोज दैट मैं बजा दिया इतना, ठीक, यहाँ पर गलत बजा दिया हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ इस तरीके से। देखिए वेलोसिटी इसका कम बेसी है, यहाँ पर देखिए वैल्यूम इसका कम है, किसी का ज़्यादा है, क्योंकि ये उंगली जितना दबा है उतना उसका वैल्यूम दिया है। तो मैं इसको कैसे ठीक करूं, तो ये इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं, और देखिएगा कोई भी सिलेक्ट ना हो, नहीं तो जो सिलेक्ट होगा ये तो उसी पे होगा, तो कोई भी सिलेक्ट ना हो, नहीं तो टोटल सिलेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, टोटल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जाइए मिडी में, और ये वाला हो गया, यहाँ पर प्रीसेट पे जाइए, और यहाँ पर देखिए फिक्स वेलोसिटी 100, इस पर क्लिक कीजिएगा, सब एक जैसा हो जाएगा। देखिए कोई भी इसमें का की जो है दबा दबा नहीं आएगा, तो इसी तरीका से करना है, बस यही एक फंडा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट आता है तो हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि चलिए भाई हम लोग का वीडियो कोई देख रहा है। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया धमाके के साथ, जब तक चलते हैं, जय हिंद।